ओम शांति। हमारी राजयोग की तपस्या, ये राजयोग एक अग्नि भी है जिसमें हमारे जन्म जन्म के सभी विकर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। जब विकर्मों का बोझ हटने लगता है तो हमें बहुत हल्कापन फील होता है। जैसे किसी के ऊपर बहुत कर्ज और वो ख़त्म हो रहा हो तो कैसे हल्कापन हो जाएगा। दूसरा, खुशी का पारा निरंतर चढ़ता जाएगा, खुशी नेचुरल रूप लेती जाएगी। तीसरा, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता जाएगा, संस्कार सॉफ्ट एंड स्वीट सुखदाई होते जाएंगे। ये तीनों चीज़ें हैं पैमाना हैं इस बात का कि हमारे विकर्म जलकर नष्ट हो रहे हैं। तो हम सभी अपनी योग की अग्नि को और तेज प्रज्वलित करते चलें। योग में बहुत शक्ति है, ये भारत का प्राचीन राजयोग फेमस है। हम जानते हैं इसी से भारत स्वर्ग बनता है। पतित से पावन, बेगर से प्रिंस, कंगाल से सिरताज, भरपूर बन जाता है हमारा देश। जब इस देश के थोड़े ही लोग, 9-10 लाख लोग ही राजयोग की गहन तपस्या करने लगते हैं तो उसके वाइब्रेशन से हमारा देश महान तीर्थ भी बन जाता है। शांति के लिए, भगवान से मिलने के लिए, सत्य ज्ञान पाने के लिए लोग भारत की ओर ही मुख करते हैं। भारत भरपूर रहा 3 युगों तक। कहते हैं ना लोग कि भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया। अटैक करता भी क्या, जो दूसरे थे वो तो कंगाल थे, वही चोर लुटेरे थे, आते थे, अटैक करते थे, लूट मार करके चले जाते थे। भारत तो भरपूर था, उन्हें सोचता था लूट मार करके ले गए ले जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें राजयोग का अभ्यास बहुत ही तत्परता से करना है। तो चीज़ों पर आज हम आपका ध्यान दिला रहे हैं, लगन, योगी बनने की लगन बनना है। ऐसे नहीं दूसरे कर रहे तो हम भी करके देखें, बाबा रोज कह रहा चलो करके तो देख लेते हैं, होता तो नहीं है, बिजी लाइफ बहुत है, ये परिस्थितियाँ हैं, फिर भी करेंगे, इससे काम नहीं चलता। ऐसा सोचने वाले योगी नहीं बन पाते हैं। योगी वही बनते हैं जो केवल ये सोचते हैं मुझे योगी बनना है, मुझे इतना महान अभ्यास करना है, ऐसी श्रेष्ठ तपस्या करनी है। ऐसी आत्माओं को जिनकी लगन तेज होती है विघ्न रोक नहीं पाते, बल्कि विघ्न उनकी अग्नि को और प्रज्वलित कर देते हैं। एक बात यह है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है प्यार होना, और प्यार 3 आधार से होता है, अपने परमपिता से। जितने हमें शरीरी होते जाते हैं उतना ही ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ता जाता है। जितना हमारा उनसे संबंध गहरा होता जाता है, संबंधों में प्यार होता है ना, गहरा संबंध, प्यार भरा संबंध, अपनेपन का संबंध, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना होता है उस संबंध में, तो जब हम करते हैं तो उस प्यार बहुत हो जाता है। और तीसरा होता है उससे हमें क्या क्या सुख मिल गया, कितनी प्राप्तियां हो गई, वो कितना गुणवान है, क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या क्या कर देता है हमारे लिए, वो क्या लेकर आया है हमारे लिए, उसकी वर्तमान की प्राप्तियाँ और भविष्य की भी सारी प्राप्तियाँ। जब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का उद्घाटन कर दिया है, तो कितनी बड़ी चीज़ होती है। यहाँ भी उसने हमारे सभी दुख हर लिए, जीवन में एक सुकून दिया, शांति दी, एक निश्चिंतता दी, एक निर्भयता दी, यही तो लोगों के पास नहीं है। संबंधों में कितने टकराव हैं, लोग धन होते भी कितने परेशान हैं, अहम झुक नहीं पाता, परेशान रहते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। बाबा ने हमें इन सब से मुक्त कर दिया, तो बहुत प्यार हो गया है उससे। इन 3 चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, वो मेरा है ये फीलिंग, क्योंकि निराकार है तो ये फीलिंग थोड़ी सूक्ष्म है।
वो मेरा है इसको बढ़ाते चलेंगे तो इन तीनों बातों से प्यार बढ़ेगा, हमारी योगयुक्त स्थिति नेचुरल और बहुत अच्छी सहज होती जाएगी। आप सभी इस पे ध्यान देंगे और परमात्म सुखों से अपनी झोलियाँ भरेंगे। ओम शांति।